हेलो बच्चों, आज अपने इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपकी थ्योरी जो थी वो कंप्लीट हो गई थी। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, हाउ मच रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड इन द सर्किट टू कैरी 5 एम्पियर इन 220 वोल्ट लाइन। तो कहता है कि कितना रेजिस्टेंस अपने को रिक्वायर है किसी भी, अगर मान लीजिए 220 वोल्ट लाइन है। 220 वोल्ट का मतलब यहाँ पे आपको पता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहा है। ठीक है, और 5 एम्पियर करंट अगर उसके अंदर है, मतलब इतना करंट कैरी करने के लिए अपने को कितना रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि एक फॉर्मूला है इन तीनों के रिलेशन के बीच में। क्योंकि देखो, यहाँ पे अपने को गिवन क्या क्या है, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो गिवन इज पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 वोल्ट, राइट। करंट यहाँ पे अपने को गिवन है वो है 5 एम्पियर, राइट। तो यहाँ पे अगर आपको फाइंड क्या करना है, हाउ मच रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा उन्होंने क्या, रेजिस्टेंस। तो बेटा सबसे पहले गिवन, फिर व्हाट टू फाइंड, उसके बाद में आप यूनिट चेक करो कि अगर मान लीजिए यहाँ पे माइक्रो एम्पियर है, कुछ भी है, ठीक है, तो वो कितना है, मिली एम्पियर वगैरह। तो अभी यहाँ पे एम्पियर में है, ये वोल्ट के अंदर है, और ये अपने को फाइंड करना है। इतनी सी चीज़ पूछी गई है। तो देखो बेटा, सिर्फ इतना है, आपको पता है एक ही फॉर्मूला यहाँ पे अपने अप्लाई करेंगे, आर इज इक्वल टू वी बाय आई। ठीक है, क्योंकि ये रिलेशन आपने देखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर अपने इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वी कितना है भाई अपने पास में, दैट इज़ 220, राइट। और अपने पास आई कितना है, दैट इज़ 5। इसको कट करते हैं तो कितना आता है, ये 4204। ठीक है, तो कितना हो गया, तो अपने पास में आर यहाँ पे आ जाता है कितना, 44 ओम। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, राइट। तो हाउ मेनी रेजिस्टेंस, हाउ मच रेजिस्टेंस, दैट इज 44 ओम अपने को यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। क्लियर, इस तरह से अपने को आंसर निकालना है। तो ये तो था सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके आर इज इक्वल टू वी बाई आई के ऊपर डिपेंड था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लिखा हुआ है बेटा, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट। ठीक है, आपके क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, विद रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओम, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ओम, राइट। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर। तो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये कहता है कि सीरीज़ के अंदर अपने कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, 9 वोल्ट की बैटरी है। तो देखो बेटा, 9 वोल्ट की बैटरी का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ जनरेट करेगा, दैट इज़ 9 ओम, राइट। 9 वोल्ट ये किसका है पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारे सर्किट का है, राइट, ये सारे सर्किट का है। अब देखिए, वो बोलते हैं कि इसको कनेक्ट किया गया सीरीज़ के अंदर, और आपको पता है सीरीज़ के अंदर क्या है, जो करंट का अमाउंट रहेगा वो सेम रहेगा, राइट। मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस ये है, ठीक है, तो मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, करंट फाइंड कर सकता हूँ, कैसे, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं सारे के सारे। तो एक सीरीज़ के अंदर जब रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो मैं पूरे सर्किट का, देखो आर इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बेटा, अपनों ने आर इक्विवेलेंट फाइंड किया था, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस आर फोर आर फाइव, है ना। तो बेटा ये क्या होता है, ये इतना ये आर इक्विवेलेंट होता है बेटा पूरे सर्किट में कितना करंट, कितना रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, ठीक है, वो फाइंड करने के लिए। तो देखो मैं यहाँ पे कैसे फाइंड करूँगा, आपको पता है सीरीज़ के लिए R इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, राइट। अब देखो इस तरह से अगर मैं इसको इसका फाइंड करता हूँ, देखो तो सीरीज़ के अंदर क्या है, R1 क्या है, देखो दिया हुआ है R 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। देखो मुझे क्या फाइंड करना है कि 12 ओम वाले रेजिस्टर में से कितना करंट जाएगा, ठीक है बेटा। अगर आपको पता हो कि जब भी सीरीज़ कनेक्शन की बात करेंगे तो सीरीज़ कनेक्शन में आपको पता है कि एक रेजिस्टर में से जो करंट पास हो रहा है वो पूरे सर्किट में से पास होता है, आपको पता है। इस तरह से अगर अपने देखें कि अगर मान लीजिए करंट आई यहाँ से जा रहा है, तो आपको पता है सर्विस अगर बस की एक सर्विस है तो वो यहीं से भी जाएगी, यहाँ से भी जाएगी, सेम ही करंट पास होगा। मुझे यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, ठीक है, मुझे ये फाइंड करना है, क्यों, क्योंकि वो चाहे इसका पूछे, चाहे इसका पूछे, चाहे तीसरे का पूछे, ठीक है, किसी भी रजिस्टर में से करंट कितना जाएगा, सीरीज़ के अंदर है तो यही वाला करंट सब जगह से पास होगा। तो मैं टोटल आई निकाल लूँगा तो क्या मेरे 12 ओम वाले रजिस्टर का करंट नहीं आ जाएगा, क्योंकि सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता रखा है सब कुछ, ठीक है।
और अगर आपको ये चीज़ नहीं याद है तो बेटा ये प्रिंसिपल्स आपको थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स जो है याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वीडियोस को दोबारा देखो, अगर एक बार नहीं समझ आती दो बार देखो, एक बार तो बेटा किसी को नहीं समझ आती, तो बार बार देखा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो आई यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो चाहे एक पहला रजिस्टर हो चाहे दूसरा रजिस्टर हो, सारों में से आई पास होगा। इसको फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इस आई को फाइंड करने के लिए मेरे पास में पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर मुझे इन दोनों का रेजिस्टेंस मिल जाए तो मैं इन दोनों का रेजिस्टेंस से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करके और पूरे सर्किट का करंट फाइंड कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि सीरीज़ में। तो देखो बेटा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, राइट। इन दोनों इन सब का सम करेंगे, सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 13.4 ओम, राइट। देख लीजिए, क्योंकि 12 उसके बाद में 9.9.3.12 ये 1.44 ये हो गया, तो कितना हो गया 13.4 ओम आ गया, राइट। तो बेटा आर इक्विवेलेंट अपने पास में आ गया पूरे सर्किट का, राइट, पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट आ गया। तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है, आपको पता है, करंट को फाइंड करने के लिए आर इज इक्वल टू वी बाई आई, वहाँ से अगर अपने निकालें आई तो आई इज इक्वल टू क्या, वी बाई आर इक्विवेलेंट, राइट। यहाँ से आई को फाइंड किया तो क्या बनेगा, V इज इक्वल टू 9 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और उसके अपॉन में 13.4 ओम। अब इसका जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है, इसको कट करेंगे तो आंसर आएगा आपका कितना, 0.67, क्योंकि नीचे वाला डिजिट बड़ा है, ये आपका आंसर आ गया, समझे। तो सिंपल क्वेश्चंस है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे करोगे, क्या करोगे, क्योंकि देखो बेटा अब 12 ओम वाले रजिस्टर में से कौन सा कितना करंट पास होगा, तो ये बात आप 9 लिख के देंगे, क्या क्या लिखेंगे, इन सीरीज सेम करंट आई, सेम करंट आई फ्लोज through all the resistors, all the resistors. So, thus current flowing through 12 ohm resistor is 0.67. ठीक है, ये आप लाइन लिखेंगे बेटा प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि अपने को जो क्वेश्चन पूछा अगर आपने यहाँ निकाल के छोड़ दिया ना, तो डेफिनेटली आधा नंबर आपको कट सकता है बोर्ड के पेपर में। क्यों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वहाँ पे आपको पता है कि आधे आधे नंबर की क्या होती है, वो जो आपको जो डिवाइडेशन होता है पूरे मार्क का, अगर मान ले 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वहाँ पे हर स्टेप का डिवाइडेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो हो सकता है कि आधा स्टेप ये बताने का कि 12 ओम रजिस्टर में से करंट कौन सा कितना पास हो रहा है, उसके लिए आपको आधा मार्क्स कट जाए। सो थर्ड क्वेश्चन देखिए, ठीक है, तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से करते हैं, पहले आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, आई फाइंड करो, टोटल आई इस तरह से फाइंड हो जाएगा। अगर सीरीज का क्वेश्चन तो हो जाएगा, पैरेलल में होगा तो इन सबको पैरेलल में रखना पड़ेगा, राइट, उस केस में अपने को आई डिफरेंट तरीके से निकलेगा अपना, ठीक है। चलिए, अगर मान ली पैरेलल में आए और फिर 12 ओम का पूछा, अगर बेटा पैरेलल में आता फिर 12 ओम का पूछता, तो यहाँ पे आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं रखते, क्यों, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे 12 ओम का रजिस्टर है, राइट, तो 12 ओम का रजिस्टर है तो 9 अपॉन में 12 ओम आ जाता है ओनली पैरेलल के कनेक्शन में, क्योंकि सिर्फ पैरेलल वाले के अंदर सिर्फ 12 ओम वाले में करंट जाएगा, तो यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन देखिए आप, है ना, अपने नोटबुक खोल लीजिए जहाँ पे लिखे हुए हैं और आप वहाँ से पढ़िए, पढ़ के समझिए उस क्वेश्चन को कि क्या लिखा हुआ है, आई थिंक मतलब ये समझ कम आता है। तो यहाँ से देखो, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, ठीक है, अननोन रजिस्टर से अपने जब किसी भी बैटरी को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, ठीक है, इन द सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, आपको रजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है, आपको आई दिया हुआ है और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, राइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है आपको कितना, 12 वोल्ट बैटरी, ठीक है, और एक ही रजिस्टर जोड़ रखा है यहाँ पे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रजिस्टेंस फाइंड करना है सर्किट का या जीसीबी का, तो सीरीज़ और आपको दे नहीं रखा ये पैरेलल वगैरह का, क्यों, क्योंकि एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सीरीज़ में ही होगा। देर इज करंट ऑफ 2.5, तो बेटा देखो आई यहाँ पे गिवन है अपने को 2.5 MA, ठीक है, अब बेटा यहाँ पे इस चीज़ को अपने को करना है कन्वर्ट,
ठीक है, देखिए गिवन लिखते ही आपको लिखना है व्हाट टू फाइंड, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, क्लियर। गिवन लिखते ही मैंने आपको बोला है पहले गिवन व्हाट टू फाइंड, थर्ड चीज आप चेक करोगे यूनिट क्या है आपकी, और थर्ड चीज चेक करने के बाद में क्या हो जाएगा, आप देखो यूनिट 2.5 है, मिली एम्पियर है, ठीक है बेटा, मिली एम्पियर को कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, और जब 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10^-3 लग जाएगा, ठीक है, तो 1000 से डिवाइड करोगे मतलब 10^3 ऊपर जाएगा, तो 2.5 × 10^-3 एम्पियर हो जाएगा ये, क्योंकि बेटा स्टैंडर्ड जो यूनिट है ऐसा यूनिट है वो एम्पियर में होती है, तो आप पहले से एम्पियर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सीधी वैल्यू पुट करनी है फॉर्मूला में, तो कुछ ना कुछ चेंज देगा, तो वो क्या देगा, यूनिट्स वगैरह के अंदर चेंज दे देता है, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू पुट कीजिए, आर फाइन करना है तो एक ही फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, ठीक है। देखिए वी की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 12, एंड इसकी वैल्यू कितनी है, 2.5, 10^-3 थी, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, 10^3 हो जाएगा, पॉइंट हटाया, एक और जीरो लगाई, 4 कर दिया, राइट। चलिए आप यहाँ कर दीजिए इसको 120 कर दिया, 120 जब इसको कट किया तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 4, उसके बाद पॉइंट लगाया कितना बचा, 8, ठीक है, ये लीजिए 4.8 × 10^3 क्या ओम, क्लियर, ये आपका आंसर आ गया। और आप इसको ये भी कर सकते हो, आपको पता है 10^3 है, ठीक है, इसे आप कन्वर्ट भी कर सकते हो किस में, दैट इज़ 4.8 ओम था, इसको आप किलो ओम कर दो, ठीक है, 10^3 को हटा सकते हैं, क्लियर, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा, ये आंसर आप जरूर निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं, ये तो बेटा सिंपल आर इज इक्वल टू वी बाई आई के क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब अपने करते हैं आगे थोड़े से डिफरेंट लाइन के क्वेश्चंस, देखिए अब थोड़ा एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे। देखिए शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 12 ओम। वो कहता है कि बेटा अपने को 6 ओम के रजिस्टर दिए हुए हैं, कितने, तीन रजिस्टर्स हैं अपने पास में, और तीनों रजिस्टर्स को क्या करना है आपने, सीरीज में जोड़ना है, ठीक है, मतलब सीरीज और पैरेलल की बात नहीं करी उसने, बोला कॉम्बिनेशन बनाना है अपने को, वो आप कॉम्बिनेशन चाहे सीरीज का बनाओ चाहे पैरेलल का बनाओ, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, हाउ वुड यू कनेक्ट, तो पहला तो अपने को जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है वो 9 ओम बनाना है, ठीक है, और दूसरा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है वो कितना बनाना है आपको, 2 ओम का बनाना है, और 6 ओम के रजिस्टर चाहिए अपने को। तो बेटा पहली कंडीशन अपने फाइंड करते हैं, ठीक है, कि जब 9 ओम का रजिस्टेंस टोटल कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए देखिए 9 ओम 6 ओम के रजिस्टर चाहिए। अब देखो बेटा एक सिंपल सी बात, अगर मैं 6 ओम के 1, 2, 3, 6, 2 और 3 इन 6 ओम को मैं सीरीज में जोड़ देता हूँ, एकदम 6 सीरीज में, तो आपको पता है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाता है 18, वो अपने को 18 अपने को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, अपने को चाहिए 9। तो बेटा 9 कैसे आएगा, देखिए आपको पता है अगर मैं इन तीनों को 1, 2 और 3 इन तीनों को पैरेलल में जोड़ता हूँ, तो आपको पता है 6, 6, 6 पैरेलल में जोड़ता हूँ, तो 1/6 करके जो मेरे पास में आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, काफ़ी कम हो जाएगा, ठीक है, 3/6 इज इक्वल टू 2, राइट, तो ये हो जाएगा बेटा 2 ओम। तो 2 ओम मतलब 9 ओम तो नहीं निकला, ठीक है, 9 ओम तो आया नहीं इससे, तो 9 ओम निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, आप 2 को पैरेलल में जोड़ के देखो, 2 को पैरेलल में जोड़ने से क्या होगा, आपका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 3। आपको पता है 1/6 क्या करेंगे, 6, 2, ये कितना का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 आ जाएगा, राइट, 3 आ गया इनका, और बेटा जो नेक्स्ट वाला है उसको आप इससे जोड़ दो क्या, एक सीरीज के अंदर। तो देखो बेटा 2 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, 6 ओम 6 ओम का 3 ओम, और उसके बाद में इन दोनों का जब निकाल लिया उसके बाद में क्या आ गया, ये 3, 6 ओम, तो 3+6 कितना हो गया, 9 ओम। तो क्या क्या करना पड़ेगा कि दो रजिस्टर को तो अपने को जोड़ना पड़ेगा किससे, दो रजिस्टर को तो अपने को जोड़ना पड़ेगा किससे,
सीरीज पैरेलल में और एक रजिस्टर को उनके सीरीज में, ठीक है, इन दोनों के पैरेलल के सीरीज में तीसरे रजिस्टर को जोड़ना पड़ेगा, तो इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 9 ओम। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए, उन्होंने बोला है कि तीन रजिस्टर को कंबाइन करके जोड़ना है क्या 2 ओम के अंदर, ठीक है। तो देखिए 2 ओम के अंदर जोड़ने का मतलब ये हुआ कि अभी आपने देखा था यहाँ पे करके, अगर मैं इन तीनों को पैरेलल में जोड़ता हूँ 6 6 6, तो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाता है 2 ओम, राइट। और बेटा इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब आप यहाँ देखिए, ए ये देखिए, इसका मतलब ये है बेटा क्या, कि आपका जो 6 ओम था उसके दो रजिस्टर को जब मैंने पैरेलल में जोड़ा तो रेजिस्टेंस कम होता है। देखो पैरेलल का रेजिस्टेंस जब कम होता है, क्योंकि आपको तो 1/R होता है वो, ठीक है, तो कम होगा तो ये ओम टोटल कितना हो गया 6, 3 ओम हो गया, और ये अगला जो अपना था वो 6 ओम का था, राइट। इस तरह से ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपका ये जो रजिस्टर है ये बन गया 3 + 6 9, ठीक है। तो इसमें आप दो को पैरेलल में जोड़ोगे तो देखो बेटा 1/6 1/6 ये बन जाएगा आपका 3 आ जाएगा। चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, 2 ओम रजिस्टर फाइंड करना है अपने को, 2 ओम निकालना है। तो आपको पता है बेटा कॉम्बिनेशन का जब 2 ओम निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको तीनों रजिस्टर को 1/6 + 1/6 + 1/6 इन जब तीनों को अपने करेंगे तो क्या आ जाएगा, इनका 2 ओम रजिस्टर आ जाता है इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इक्विवेलेंट जब तीनों आता है तो इसको आप बना के दिखाएंगे कैसे, आपको इन तीनों को पैरेलल में जोड़ना है, ठीक है, और आप इसको जो आपकी ये लाइंस के अंदर कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आप लिख दें इसे, ठीक है। तो 6 ओम 6 ओम 6 ओम तीन रजिस्टर अपने जोड़ दिए, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, क्लियर, कि भाई इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, ए और बी के बीच में, दैट इज 2 ओम, क्लियर। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 ओम वाले का, और वो हो गया आपका ऊपर 9 ओम वाले का, ठीक है। चलिए तो ये समझ आ गया क्वेश्चन आपको, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वॉट व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है, उसके ऊपर जो रेटिंग्स लिखी होती हैं कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो अपने लेके आते हैं उसके ऊपर रेटिंग लिखा होता है कि वो कितने वोल्ट और कितनी पावर पे काम करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट तो पावर कितनी होगी, तो इसका मतलब वो कह रहा है कि पहले पावर कितनी है और अब पावर कितनी होगी वो अपने को फाइंड करना है, ठीक है। देखिए तो व्हेन चलिए तो इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 तो पावर कंज्यूम, आपको पता है बेटा पावर का जो फॉर्मूला होता है दैट इज V² / R, ठीक है। क्योंकि बेटा अगर मुझे 110 वोल्ट के ऊपर पावर निकालनी है, बेटा ध्यान से सुनना आप, अगर मुझे 110 वोल्ट के ऊपर पावर निकालनी है, ठीक है, तो मुझे क्या डेफिनेटली क्या क्या चाहिए, मुझे रेजिस्टेंस चाहिए होगा तभी मेरे को क्या है मेरे को पावर मिल पाएगा, राइट। तो पहले उस क्वेश्चन में बताने के लिए उसने क्या दे दिया अपने को, उसकी रेटिंग दे दी है बल्ब की कि पावर है उसकी 100 वोल्ट और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 20 वोल्ट, उस पर काम करता है वो, ठीक है। तो इससे अपने बेटा क्या फाइन करना है, अपने को क्यों दी गई है ये वैल्यूज़, वो वैल्यूज़ अपने को इसलिए दी गई है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पावर आउटपुट निकालता हूँ तो V² / R आता है, राइट, और पावर का फॉर्मूला क्या है, VI है, यहाँ पे मेरे पास I भी गिवन नहीं है, ठीक है, I निकालने के लिए मुझे रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है। तो मुझे इस पावर को फाइन करने के लिए मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, ये तो मुझे दिया हुआ है, गिवन है, क्या गिवन है, 110 इस वोल्ट पे, तो इसका स्क्वेयर किया तो 110² / R, अब मुझे R नहीं है तभी तो मैं पावर कैसे फाइंड करूंगा इसकी, है ना। तो इसलिए मुझे पहले क्वेश्चन में उसकी रेटिंग दी हुई है ताकि मैं R फाइंड कर सकूं। बेटा हमेशा ध्यान रखिएगा, फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन हो या मैथमेटिक्स का हो, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है, ठीक है, उसे बस समझने की जरूरत होती है। तो V² क्या है, मुझे गिवन है पहले वाली रेटिंग 220,
का स्क्वेयर, मतलब 220 इंटू 220 अपॉन में आर। पावर कितनी गिवन है, मुझे पावर गिवन है 100 वॉट, ठीक है 100। तो यहाँ से मैं फाइंड करूँगा क्या आर, आर को ऊपर लेके जाऊँगा, आर ऊपर गया तो 220 इंटू 220 अपॉन में 100। तो यहाँ से मेरे पास में जो आंसर आया वो क्या आएगा, 484 आ जाएगा, राइट, क्योंकि 22 इंटू 22 484 ओम। तो मुझे पता चल गया मेरा जो बल्ब था वो कितने ओम का है, उसका जो रेजिस्टेंस है वो इतना है। अब सेम उसी बल्ब को व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, तभी अरे रेजिस्टेंस बिना फाइंड नहीं कर सकते। अब मुझे वो बल्ब का रेजिस्टेंस पता चल गया कि वो बल्ब का रेजिस्टेंस है कितना, बल्ब का रेजिस्टेंस पता चलते ही मुझे उसका वोल्टेज पता है तो मैं उससे पावर डिलीवरी जितनी आएगी वो फाइंड कर सकता हूँ, राइट। दैट इज आप यहाँ पे 484 लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। तो 484 और ऊपर में आपका 1110 तो आपका आंसर आएगा लगभग 25 अगर अप्रोक्स लेते हैं तो, ठीक है। चलिए आप निकाल के देखेंगे इसको प्रॉपर तो अप्रोक्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पावर आ गई आपकी 25 वॉट। वॉट आपको पता ही है, ऊपर वाली वैल्यू वोल्ट में है, नीचे वाली ओम है, तो वोल्ट बाय ओम क्या है आपका, वॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी 176 रजिस्टर्स, हाउ मैनी 176 रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर इन 220 वोल्ट लाइन, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, वो कहता है कि 176 रजिस्टर्स पैरेलल में मैं जोड़ूं, मतलब सॉरी 176 ओम वाले अगर रेजिस्टेंस वाले जो रजिस्टर हैं वो अगर मैं पैरेलल में जोड़ता हूँ, ठीक है, तो मतलब 5 एम्पियर करंट करने के लिए मुझे कितने जोड़ने पड़ेंगे, इतनी सी बात है। मतलब आपको नंबर फाइन करना है यहाँ पे, हाउ मैनी, ठीक है, आपको नंबर फाइन करना है। तो मैंने लास्ट में बिल्कुल आपको एक फार्मूला बताया था, ठीक है, वो फार्मूला था आपका टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल, नंबर एन इज इक्वल टू फाइन करने के लिए था इंडिविजुअल रेजिस्टेंस स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर, इसी से आएगा आपका आंसर, ठीक है। मुझे पता लग गया आंसर इसी से आएगा, गिवन आपको मैंने बताया हुआ है कि पहले आप लिखेंगे गिवन, फिर क्या आपको फाइंड करना है, यूनिट्स चेक कीजिए और चौथी चीज़ वो लिखिए जिससे आपका आंसर आने वाला है, क्वेश्चन में क्या कहता है, क्या पूछ रहा है, क्योंकि आपको पूछ पता लग गया हाउ मैनी, उसने पूछा है कितने रजिस्टर जोड़े, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स, ठीक है, तो उसने क्वेश्चन पूछ लिया। अगर उसने आपने उस चीज़ को समझ के, गिवन तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे करंट गिवन है, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, क्या फाइंड करना है वो आपने समझ लिया, तो आपको फॉर्मूला मिल गया कि इस फॉर्मूले से अपने को आंसर निकालना है, राइट। तो अब देखो करंट भी गिवन है तो मुझे पता लग गया इससे मेरा आंसर आने वाला है, लेकिन इसको निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले आपको इंडिविजुअल रेजिस्टेंस तो गिवन है, ये देखिए रहा स्मॉल आर इज गिवन 176 ओम, राइट, क्या आपके पास में ये है, जैसे आप फॉर्मूला लिखते हैं ना बेटा आपको पता चल जाता है कि अपने को क्या चाहिए आंसर फाइंड करने के लिए। तो मुझे आर चाहिए भाई, सबसे पहले तो मैं आर निकालूंगा तभी मेरा आंसर आ पाएगा, आर आते ही मेरा आंसर आ जाएगा। और टोटल रेजिस्टेंस मैं कैसे फाइंड करूंगा, वो टोटल रेजिस्टेंस मैं ऐसे फाइंड करूंगा क्योंकि यहाँ पे आपको वोल्टेज गिवन है सर्किट की और टोटल करंट गिवन है उस सर्किट का, राइट, बस फाइंड करने की देर है। तो निकालिए, कैसे निकालेंगे, आर इज इक्वल टू वी बाय आई, राइट, आर इज इक्वल टू वी बाय आई, वी कितना है आपका 220 और आई कितना है आपका 5 एम्पियर, सेम का सेम क्या 44 ओम, राइट, 44 ओम आते ही आप आंसर जब निकालेंगे तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितने हैं 176 और टोटल रेजिस्टेंस कितना 44, गिवन आंसर कितना आ गया आपका, दैट इज 44 को करेंगे 4 ओम, 4 रजिस्टर आ गए आपके, तो टोटल नंबर एन कितना हो गया, एन इज 4, समझ गए, तो हेयर एन इज इक्वल टू 4, ऐसे फाइंड करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स आर डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट लाइन आर रेटेड 10 वोल्ट,
मतलब आपको 10 वोट वहाँ पे दी हुई है, पावर दी हुई है आपकी बार, उसने पावर दी है। देखो मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो थोड़ा सा धीरे 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 ऐड करता जा रहा हूँ उसमें कि किस तरह से चीज़ें होती है। अब आपने पहले समझ लिया क्या कि सीधा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है और टोटल रेजिस्टेंस गिवन है तो सीधा नंबर निकाल देते हैं, राइट। बट यहाँ पे देखिए अब की बार आपको थोड़ा सा मैंने चेंज किया है, और क्वेश्चन देखिए क्या है चेंज क्वेश्चन में, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नहीं दिया है अभी आपको, अभी आपको इंडिविजुअल पावर दी हुई है, ठीक है। इंडिविजुअल पावर अपने को गिवन है, तो यहाँ से आप देखो कैसे निकालेंगे। अब आप फाइंड करेंगे इंडिविजुअल रेजिस्टेंस पहले, क्योंकि देखो उसने पूछा है कि हाउ मैनी लैंप्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, ठीक है, अक्रॉस द टू वायर्स ऑफ 220 वोल्ट लाइन इफ मैक्सिमम अलाउबल करंट इज 5 एम्पियर। बेटा वही चीज मैंने दोबारा से पूछ ली है, आई अपने को दिया है 5 एम्पियर, अरे आपको टोटल जो वोल्टेज गिवन है वो है 220 वोल्ट, राइट। सेम का सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है आपकी बार, आपको वही चीज करनी है, गिवन व्हाट टू फाइंड, फाइंड अपने को करना है भैया एन, फाइंड अपने को फिर से क्या करना है एन, एन इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर। आपको पता है ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये फॉर्मूला आपका है पैरेलल कनेक्शन के लिए, सीरीज के लिए कैपिटल आर ऊपर चल जाता है, ये बात आपको पता है। अब मुझे एन फाइंड करना है, मुझे पता लग गया एन फाइंड करना है, एन फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए और मुझे टोटल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस चाहिए, इस फॉर्मूले के अलावा निकाल ही नहीं सकता, नहीं निकाल सकता तो भैया दोनों चीज़ें पहले फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पे, पावर गिवन है सर एक बल्ब की 10 वॉट, और कितने वॉट पे ये काम करता है 220 वोल्ट पे, तो इसके इसका वोल्टेज भी गिवन है 220 वोल्ट। अरे जब आपको ये गिवन है तो फॉर्मूला याद करो, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, राइट। तो यार ये बल्ब का, अरे बल्ब आर बल्ब 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 का रेजिस्टेंस यहाँ से फाइंड नहीं कर सकता मैं, इसकी पावर लिखूंगा तो इसी का रेजिस्टेंस आएगा ना, राइट। तो भैया इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अपने पास में आ गया क्या, आर बल्ब इज इक्वल टू क्या, वी स्क्वायर अपॉन में पी, पी चल जाएगा नीचे, आंसर फाइंड किया, क्या आया भाई क्या आएगा, आंसर आएगा वी स्क्वायर आपका है 220 अपॉन में पावर कितना आपका 10 वॉट, इतना ही है, जब इसको अपने किया 10 डिवाइडेड में तो आपका आंसर आ गया इनटू 484, तो आएगा ही आएगा और जीरो और लगा दो तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आ गया भाई 4840, ठीक है। और ये बात अपने को पता चली गया कि पैरेलल में जुड़ेगा, क्योंकि बेटा पैरेलल के अंदर जो आपका रेजिस्टेंस होता है 1/R होता है, आपको पता है ये बात, 1/R मतलब कम हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज़ के अंदर जोड़ेंगे सीरीज़ के रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब देखो अब आपके पास में है इतना सा क्या कि मेरे पास आपके पास आर आ गया भाई, बल्ब का आ गया ना, इंडिविजुअल का आ गया, आपको क्या चाहिए, अरे भाई आपको टोटल रेजिस्टेंस भी चाहिए सर्किट का, टोटल रेजिस्टेंस गिवन है 5 एम्पियर करंट और वोल्टेज गिवन है 220 वोल्ट, तो यहाँ से आप आर भी फाइंड कीजिए पहले, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, वी बाई आई कितना हो गया 220 इंटू में 5, कट पिटा के आंसर आया 44 ओम, सेम ही है ना, क्लियर 44 आंसर आ गया आपका क्या, एन इज इक्वल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कितना 4840 और अपॉन में 44, ठीक है, आंसर इज आपका कितना आ गया 110, ठीक है बेटा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन निकालने हैं, क्लियर। फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, पावर कब, वो देखो इतना सही है, रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो अपने पास में क्या क्या वैल्यू गिवन है, पावर गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो आप फॉर्मूला यू करोगे पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको आई गिवन होता, ठीक है, आई गिवन होता और पावर गिवन होती है, आर जब फाइंड करना होता आपको पता है पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, राइट। तो बेटा वो फॉर्मूला आपको डिपेंड करता है कि आप कौन सा अप्लाई करोगे, यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन था तो रेजिस्टेंस फाइंड करने का ये दोनों गिवन थे तो ये फाइंड हो गया, अगर यहाँ पे आई गिवन होता इसकी जगह पे तो आप क्या लेते आई स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर लेते, राइट, वहाँ से आई और इसका यूज़ करके आर निकाल लेते, वो डिपेंड करता है आप क्या उस टाइम पे क्या गिवन है और उससे क्या फाइंड करोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई आपका, ये रहा, विच हैज़ मोर एनर्जी 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर, मतलब कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करेगा भाई, सीधी सी बात है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अगर 250 वॉट 250 वॉट का टीवी सेट चलता है एक घंटे वो, या फिर 1200 वॉट का टोस्टर चलता है 10 मिनट,
ठीक है। तो बेटा इसके लिए सबसे पहले आपको क्या फाइन करना पड़ेगा, इसकी यूनिट फाइन करनी पड़ेगी, पता चल जाएगा यूनिट से, राइट। और यूनिट के लिए आप क्या करते हो, अब इसके लिए कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा तो आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा तरीका अजमाओ क्या, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता है आपको पता है, एनर्जी इज गिवन, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम, ये बात आपको पता है राइट। पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, वही होता है ना, जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वही होता है। तो यू एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर अपने को पता है किसमें लेनी है, वॉट के अंदर या किलो वॉट में, जैसे अपने को यहाँ पे यूनिट तो निकालनी नहीं है, बिल तो निकालना नहीं है, तो उसको किलो वॉट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू क्या, पावर इनटू टाइम। तो फर्स्ट केस के लिए मतलब टीवी के लिए एनर्जी कितनी है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर कितनी है, पावर है टीवी की 250 वॉट, और उसका टाइम कितना है, दैट इज 1 आवर, कितना हो गया 250 वाट आवर, राइट। सेकंड है आपका टोस्टर, बेटा एक चीज तो आपको चेक करनी पड़ेगी, दोनों को घंटे में लेंगे टाइम को या दोनों सबको मिनट में लेंगे, ठीक है। तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे वोट ले रहे हो तो अगले वाले में वोट लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू में टाइम, पावर इनटू में टाइम किया तो पावर किस में है, यहाँ पे 1200 वोट है लिखो, टाइम किस में है बेटा 10 मिनट्स है भाई, इसको आपको आर में चेंज करना ही पड़ेगा राइट। तो आर में चेंज करोगे तो 10/6 200 वाट आर, ठीक है, आंसर आपका 200 वाट आर। अब कौन सा ज़्यादा है, ऑब्वियसली क्या है, टीवी ज़्यादा खाएगा, एक घंटा चलेगा तो, ठीक है। तो आंसर क्या है आपका, टीवी, ठीक है। तो दस 250 वाट टीवी सेट यूजेज मोर पावर या मोर एनर्जी, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी था ये तो, सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखिए टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस वुड बी। वो कहता है कि आपके पास में दो कनेक्टिंग वायर्स हैं, सेम मटेरियल की हैं, दो है मतलब आप देखो वायर की बात करो, इसका मतलब रेजिस्टेंस मान लो उनको आप, एक रेजिस्टेंस एक वायर, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस तो होता ही है, और दूसरी कंडक्टिंग वायर उसका दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो कहने का मतलब दो रजिस्टर मान लो आप, एक तरह से आपको ये समझना है, ठीक है। इन दोनों रजिस्टर को पहले तो आप जोड़ लेते हो किस में, सीरीज में, और बाद में उनको जोड़ लेते हो किस में, पैरेलल में। वो कहता है कि इन दोनों की हीट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका रेशियो निकाल के अपने को बताना है। हीट भाई, जहां पे हीट की बारी आ गई वहां पे आप क्या याद करोगे, आप फॉर्मूला याद करोगे, कौन सा, पावर निकाल लो या फिर आपका जो आपकी हीट का क्या निकालोगे, जो जितनी ज्यादा पावर उतनी ज्यादा हीट, आपको पता है बात तो, ठीक है, जितनी ज्यादा पावर कंज्यूम करेंगे, अब देखो क्या है, या फिर आप कहें कि जितना ज्यादा इसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा है उतना पता आपको उतनी पावर क्या हो जाएगी इसकी, आ जाएगी। अब देखो आप कैसे निकालेंगे इसको, तो टू कंडक्टिंग वायर्स है, पहले सीरीज में जोड़ते हैं। अब जब सीरीज में जोड़ते हो बेटा तो आपको पता है रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस कैसे फाइन करेंगे, तो सीरीज इफ इन सीरीज, इन सीरीज रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट या आर सीरीज इज इक्वल टू, एक आर है एक आर है, ठीक है। तो पहले रेजिस्टेंस मैंने दो वायर थी, एक वायर ये एक वायर भी, इन दोनों को जोड़ दिया किस में, आपके सीरीज में, सीरीज में जोड़ने की वजह से आर प्लस आर, राइट। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया इसका, सीरीज का जो हो गया वो हो गया 2R, इतना ही हुआ। चलिए नेक्स्ट आता है फिर पैरेलल में जोड़नी है, पैरेलल में जोड़नी है तो आपको पता है 1/R करोगे, 1/R करोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर आर पैरेलल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर पी आर एस, है ना, एस से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, ज़्यादा ईजी रहेगा। आर पी, पैरेलल कितना आ गया, 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/R, और R करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज R/2, ठीक है, मतलब 2R, इसको रेशियो लेके करेंगे इज इक्वल टू R/2, रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे तो R/2 आ जाएगा, ठीक है, R/2 पैरेलल के लिए, ठीक है।
ठीक है. तो आर पैरेलल सीधा लिख देते हैं, आर पैरेलल इज इक्वल टू आर बाय टू और आर सीरीज इक्वल टू टू आर. मेरे पास दोनों का रेजिस्टेंस आ गया. ठीक है, हीट प्रोड्यूस. अब हीट प्रोड्यूस क्या होती है भाई, जितनी ज़्यादा बेटा पावर होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, हीट होगी, सीधी सी बात है. ठीक है, चलिए. तो अब अपने यहाँ पे R क्यों लेट किया है बेटा, यहाँ पे R इसलिए लेट किया है सारों के लिए क्योंकि उसने बोला हुआ है, खुद ने बोला है कि टू कंडक्टिंग वायर्स है, सेम मटेरियल है, जब सेम मटेरियल की बनी हुई है सेम उसकी लेंथ है और सेम उसका डायमीटर है, वो आपको याद है बेटा, देखो रो एल बाई ए, तो इन सब की सेम है, सेम है, इसीलिए अपने सारों को क्या कंडक्ट कर लिया, R मान लिया और R से इसको क्वेश्चन को किया है. ठीक है, कि उनका रेजिस्टेंस भी क्या रहेगा, सबका सेम रहेगा. चलिए अब देखिए, तो बेटा जितनी ज़्यादा पावर निकाल लो, ठीक है, पावर या जितनी ज़्यादा पावर होगी उतनी ज़्यादा गर्म होगी, सीधी सी बात है, आपको पता ही है, सिर्फ टाइम का ही तो होता है. जैसे पावर है, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, है ना, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. यहीं पे अगर इसकी हीट की बात करूँ, हाई हीट होती है आई स्क्वायर आर टी, वो डिपेंड करता है कितने टाइम तक दे रहे हैं, आपको पता है ना पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, कितनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, एनर्जी मीन्स आपकी हीट. तो पावर फाइंड कर लो आप यहाँ से. तो देखिए पावर कैसे फाइंड करेंगे, तो इलेक्ट्रिकल पावर P पहले वाले केस के लिए क्या हो जाएगी, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R, राइट. R अब सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, तो बेटा जब सीरीज में जोड़ेंगे तो पावर सीरीज इज इक्वल टू, चलो मैं इसको फॉर्मूले को यूज करते हैं पहले, तो सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, पावर सीरीज इज इक्वल टू, मतलब सीरीज वाला जो कनेक्शन है वो क्या पावर जनरेट करेगा, वो करेगा बेटा 2R, राइट, मतलब आर एस आएगा, मतलब आपका रजिस्टर आएगा सीरीज वाला, मैंने सीधी वैल्यू लिख दी. फिर आ जाएगा पावर पैरेलल इज इक्वल टू, पावर पैरेलल इज इक्वल टू आपका वी स्क्वायर बाय आर बाय टू. ठीक है, अब देखें इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना तो क्या करेंगे, रेशियो लगा दो, रेशियो लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, सीरीज अपॉन में पावर पैरेलल इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय टू आर अपॉन में वी स्क्वायर बाय आर बाय टू, राइट. जब अपने ने इसको ऐसे किया और ऊपर इसको लेके जाएंगे तो आपको पता है क्या हो जाएगी वैल्यू, सीरीज वाला नीचे आ जाएगा, पैरेलल वाला ऊपर चला जाएगा, तो वी स्क्वायर अपॉन में आर सीरीज मतलब टू आर इंटू में वी स्क्वायर नीचे रहेगा, ये आर बाय टू ऊपर जाएगा, तो ठीक है आर बाय टू ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टू नीचे आ जाएगा, टू नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर गया, ये टू नीचे आएगा, टू नीचे आएगा तो क्या रह जाएगा, आर 2R into 2, ठीक है, R से R गया, बचा क्या बेटा 1/4, तो दोनों की पावर रेशियो क्या आ जाएगा, समझ दिख रहा है ना आपको, नहीं दिख रहा है, ये लीजिए, ठीक है, तो 1/4 कट के और क्या आ जाएगा, पावर S रेशियो पावर पैरेलल, मतलब पावर सीरीज रेशियो पावर पैरेलल इज इक्वल टू 1:4, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा. तो इस तरह से बेटा पावर वाले क्वेश्चन आपको ऐसे करने हैं. ठीक है, अगर मान लीजिए आपका वो क्वेश्चन आ जाता है इस तरह का, देखो ध्यान से सुनना, आपका क्वेश्चन आ जाता है कि आपकी रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ जाता है, मैं आपको यहीं बता देता हूँ थोड़ा सा, रेजिस्टेंस मीन पावर को उसको डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, मैंने आपको वहाँ बताया भी था जब आप, हाँ वैसे आपको मैंने थ्योरी में बताया हुआ है. ठीक है, तो वहाँ पे भी इसी तरह से रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे. ठीक है, एक का रेजिस्टेंस लिखोगे नॉर्मल वाला, ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और एक का जो न्यू रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, आर डैश इज इक्वल टू रो, रो सेम रहेगा मटेरियल का, लेंथ डबल कर दी तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऊपर जाएगा. इस तरह से आप कट पिटा के जब इसका रेशियो निकालोगे तो उसी तरह से आपको यहाँ पे फाइंड करना है, वो रेशियो वाला केस हो गया. ठीक है, तो रेशियो इस तरह से फाइंड कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, लिखा हुआ है फॉर द सर्किट शोन इन फिगर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर. वैल्यू ऑफ करंट, करंट मतलब आई, आई फाइंड करना है आपको हर केस में, मतलब आई वन आई टू आई थ्री, क्लियर. ठीक है, द टोटल करंट इन द सर्किट, ठीक है, द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट,
ठीक है, द टोटल करंट इन द सर्किट, द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर और द टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट. इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब आपको आई फाइंड करना है ईच रजिस्टर का, टोटल करंट फाइंड करना है आई, और एक करना है आपको रेजिस्टेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 6 वोल्ट बैटरी के अंदर, यहाँ दिया हुआ है पेपर में, राइट. देखो बेटा अमीटर बिल्कुल सही जुड़ा हुआ है, आप अमीटर ऐसे जोड़ोगे, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ना है, नेगेटिव वाले को नेगेटिव से जोड़ना है. ठीक है ना, यहाँ बनाते हैं तो पॉजिटिव यहाँ लिख देते हैं, नेगेटिव यहाँ लिख देते हैं, सेम ही है. ठीक है, पैरेलल में जुड़े हुए हैं. ठीक है, 6 वोल्ट है, आपको पता लग गया बेटा पैरेलल कनेक्शन है. पैरेलल कनेक्शन में आपका चाहे ये रजिस्टर हो, चाहे ये रजिस्टर हो, चाहे ये रजिस्टर हो, आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो इन पॉइंट्स के ऊपर ए और बी, जो मान लेता हूँ मैं, इनके ऊपर 6 वोल्ट रहने वाला है. तो हर किसी रजिस्टर के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा बिकॉज पैरेलल कनेक्शन है, ये बात आपको याद रखनी है. ठीक है, नेक्स्ट अब ध्यान देंगे अपने को फाइंड करने का, क्या यहाँ पे करना है, टोटल रेजिस्टेंस सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं इफेक्टिव. और इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपको पता है किससे आएगा, पहले आई फाइंड करना पड़ेगा हियर, राइट. तो वही टोटल रेजिस्टेंस ऐसे को अपने को मिलना नहीं है. ठीक है, क्यों, तो अपने को आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं. तो आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, कैसा मर्जी फाइंड कर लो बेटा. ठीक है, कुछ भी कर लो. देखो आर कितना है, 5, 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30. ठीक है, सिक्स प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, 10/30. और इक्विवेलेंट करके इसको जब रेसिप्रोकल किया तो रेसिप्रोकल करते क्या आ गया, मतलब मैंने सीधा आर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 1/R होता है आर इक्विवेलेंट. ठीक है, 1/30 किया तो क्या हो गया, 3, राइट. तो इसका आर इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस का जो ओम, मतलब इसका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया वो कितना आया, 3 ओम आ गया, राइट. तो पहला अपना सी क्वेश्चन हो गया क्लियर. बाकी देखते हैं, I जो है टोटल सर्किट का, ठीक है, वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 3 ओम है, 3 ओम है, 6 वोल्ट है, तो अप्रॉक्स जो I आएगा, चलिए पहले इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का निकाल लेते हैं. अब देखिए इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का कैसे निकालते हैं, इंडिविजुअल मतलब आपके 3 रजिस्टर दिए हुए हैं, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम, राइट. तो बेटा ध्यान देंगे, आपको पता है इसमें से I1, इसमें से I2, इसमें से I3, अब ये किस बेसिस पे करंट डिवाइड होगा, आपको पता है एक सर्विस जारी थी बसों की, तीन बसें जैसे मान लो, अगर मान लो 2 एम्पीयर है, 3 एम्पीयर करंट यहाँ से जा रहा है, वो यहाँ से डिवाइड होगा अलग अलग रजिस्टर में, क्यों, जितनी ज़्यादा उसको लेना है उतना ही करंट वो लेगा, राइट. आपको पता है अगर 5 ओम है तो बेटा रजिस्टेंस कम, तो डेफिनेटली आपको पता है रजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I, याद रखना बेटा हमेशा, सीधा देख के पता चलना चाहिए. 5 ओम वाला रजिस्टर है, मतलब 5 ओम है, ये 10 ओम है और ये 30 ओम है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ही करंट कम, राइट. तो जितना कम रेजिस्टेंस उतना ही करंट ज़्यादा, तो बेटा यहाँ से जो करंट जाएगा, मतलब दिक्कतें कम होएगी, यहाँ पे दिक्कतें ज़्यादा है, यहाँ पे दिक्कतें सबसे ज़्यादा है, तो डेफिनेटली करंट कौन से रास्ते से जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा, ये कम करंट को जाने देगा, है ना. तो वैल्यू यहाँ पे करंट की सबसे ज़्यादा आएगी, आप निकाल के देख लेना चाहे. देखो 5 ओम रजिस्टर के लिए, 5 ओम रजिस्टर के लिए क्या होता है, R इज इक्वल टू V/I, क्या फाइन करना है, करंट फाइन करना है, I ऊपर ले आओ, V कितना है, V गिवन है 6 वोल्ट, I कितना आएगा, तो आप I1 लिख दो ना यहाँ पे, ठीक है, V आपके लिए कॉमन है आपको पता है, तो R1, ठीक है, R1 कितना है आपका, R1 है 5, R2 कितना है 10 और R3 है 30, तो ऐसे से निकाल दो, R1 इज 5, आंसर निकाला कितना आएगा, लगभग 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, फाइन कर दो यार, 1.2, ठीक है. और नेक्स्ट तो ये आ गया आपका I1, ठीक है. अब निकालते हैं 10 ओम वाले के लिए, तो I2 इज इक्वल टू V/R2, ठीक है, V/R2 किया तो V कितना है 6, R2 कितना है, R2 है आपका 10, 10 को जब इससे कट किया तो कितना आ गया, 0 लगाया, पॉइंट लगा, 0 उतार लिया, ठीक है, 6 क्लियर, तो ये आपका 1.2 एम्पियर
ये आपका 0.6 एम्पियर। थर्ड वाले केस के लिए I3 निकालेंगे, I3 इज इक्वल टू वी अपॉन में R3। बेटा जिस रजिस्टर का निकालना है ना बेटा, ध्यान रखना, जिस रजिस्टर का करंट निकालना है उसी का बेटा हमेशा रेजिस्टेंस लेंगे। तो मैं यहाँ पे R1 मैंने ये लिया हुआ है, R2 मैंने इसको माना है और R3 मैंने इसको माना है। I3 R3 के लिए जाएगा करंट I3, तो मुझे जब इसका फाइंड करना है ना बेटा, करंट I3 फाइंड करना है, तो इस वाली वायर में रजिस्टर कौन सा है? R3 है ना, तो मेरे को इसी का ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वही कर रहा हूँ मैं, ईजी है बेटा, हार्ड नहीं है ये। 6 वोल्ट और पैरेलल कनेक्शन में वी सेम है बेटा, आपको पता है पैरेलल के लिए वी सेम रहता है। ठीक है, चलिए R3 क्या हो गया इसका 30। ठीक है, 30 से इसको निकाला, क्या लगाया पॉइंट, लगाया 0 60 2, आ गया आंसर। तो ये आपके तो एम्पियर आ गया, क्लियर। चलिए अब आप एक चीज़ नोट करें बेटा, कैसे भी आंसर निकाल लेना, आपके आंसर सेम आएगा। अब तीसरी जो आपकी चीज़ बची है, ए निकाल लिया, सी निकाल लिया, बी बचा है। बी क्या बचा है? टोटल सर्किट का करंट फाइंड करना है, आई फाइंड करना है, मतलब ये वाला है ना। या तो इन तीनों को जोड़ के देख लो, अरे इन तीनों को जोड़ोगे वही तो आएगा। आपको पता आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ऐसे निकाला था ना अपनों ने, अब ऐसे निकाला था तो ऐसे करके देख लो, लो आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, ऐसे करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। 1.2 प्लस 0.6 प्लस 0.2, 6 to 8 और ये 2 एम्पियर करंट हो गया, राइट। ऐसे नहीं फाइंड करना। तीसरा तरीका जमाओ, 3 ओम टोटल रेजिस्टेंस था, 3 ओम टोटल रेजिस्टेंस था, वोल्टेज 6 थी, R इज इक्वल टू V बाई आई, यहाँ से I फाइंड करोगे, I इज इक्वल टू V बाई आर, राइट। I इज इक्वल टू टोटल, I इज इक्वल टू V इक्वलेंट कर दो, यहाँ पे V है, सॉरी R इक्वलेंट कर दो 6, R इक्वलेंट कितना है 3 ओम है, यहाँ से वैल्यू पुट करिए, आंसर क्या आ गया 2 एम्पियर। क्या दोनों सेम है? 2 एम्पियर, यस। अगर कोई भी बेटा आपको गिवन सर्किट है, ठीक है, उसका अगर आपको R इक्वलेंट फाइंड करना है तो ध्यान देंगे, कैसे भी आया आपको मैं बता देता हूँ कैसे कैसे आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, पहले सर्किट में क्या गिवन है देखते ही आपको पता चलना चाहिए, आप में मतलब इतनी एबिलिटी होनी चाहिए। देखिए, एक करंट आया, यहाँ से करंट जब जाएगा तो दो में डिवाइड हो रहा है, दो में डिवाइड हो गया, इसका मतलब आपको पता है कि यहाँ से I1 जाएगा और यहाँ से I2 जाएगा। कहने का मतलब इस वायर के अंदर जो भी रजिस्टर जुड़े होंगे और इस वायर में जो जुड़े होंगे वो पैरेलल में होंगे, ये बात आपको पता चल गया यहाँ पे देखते ही, राइट। तो देखिए, अब यहाँ से जो करंट गया वो इसमें से भी जाएगा। अब यहाँ पे जो I1 गया, देखिए मान लीजिए I यहाँ से गया सपोज, तो ये डिवाइड हो गया I1 और I2 में, राइट। लेकिन ये वाला जो I1 यहाँ से गया था, ये आगे भी इसी में से रेस्ट ऑफ द जितने भी रजिस्टर हैं, मतलब ये वाला जो रजिस्टर है इसमें से भी जाएगा, ठीक है, और यहाँ से इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है, करंट। ये I2 जो गया वो इसमें से भी I2 ही जाएगा, ये आपको पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे के क्या है? पैरेलल में, राइट। तो आप कैसे निकालोगे बेटा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैसे फाइंड करोगे? तो देखो बेटा, इसका आर इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करेंगे? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, 5 + 5 = 10 हो गया, ठीक है, तो दिस इज 10, राइट। ये 5 और 5 कितना हो गया? दैट इज 10, ठीक है, 10 और 10, 1/10 प्लस 1/, अब इन दोनों को पैरेलल में कर दो, 10 10 को, राइट, कितना आ गया 5 ओम, ठीक है। आप हमेशा नोट करना बेटा, सीरीज का रेजिस्टेंस ऑलवेज ज़्यादा आता है। देखो 5 5 जुड़े तो 10 हो गया, बढ़ गया, और इसी का अगर मान लो मैं पैरेलल देख रहा हूँ तो 10 10 ओम के रजिस्टर अगर मान लो दो भी माने तो उनका भी आधा हो गया ना 5 ओम। तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया बेटा इसका? R इक्विवेलेंट आ गया 5 ओम। इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? 5, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट करके P से Q के बीच में फाइंड करना है अपने को, क्वेश्चन में दिया है बिटवीन P एंड Q, ठीक है। यहाँ देखोगे जब, अब देखिए यहाँ से करंट आया तो डिवाइड हो गया, डिवाइड हो गया मतलब इस पे जो है और इस पे जो है वो पैरेलल में, ठीक है। यहाँ नीचे वाले का देखो, बना देता हूँ पॉइंट, ए और बी के बीच में देखो जरा, 5 5 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया? 10, राइट। ऊपर देखते हैं 5, ठीक है, 5 है। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ फिर से डिवाइड हो गया, ये आगे डिवाइड हो गया, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में तो 10 10 करके क्या हुआ? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या बन गया? पैरेलल में 10 10 है, 10 10 का क्या बनता है? 5 बनता है। अभी निकाल के देखा 5 ओम, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, ये 5 और ये जो पैरेलल वाले हैं ये दोनों सीरीज में हो गए। अरे हुए कि नहीं हुए? तो इन दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ? 10 1
10 10, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में. पैरेलल में तो फिर से क्या आ गया? 5 ओम. आया कि नहीं आया बेटा? इसको नहीं समझ आया तो दोबारा से धीरे से देखना, इसको स्लो करके देख लेना वीडियो, ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझ बहुत ईजी है. देखते हैं कैसे. देखो यहाँ से करंट चला, ठीक है, आई इसमें से गया, वो सेम इसी में से गया, दोनों कितने हो गए सीरीज में? 10. अब करंट आगे जब जाएगा तो वो डिवाइड हो गया 3 में, 1 2 3, मतलब ये तीनों पैरेलल में है, राइट. लेकिन देखो इस वाली वायर और इस वाली वायर के अंदर सेम करंट जाएगा क्योंकि कोई डिवाइडेशन नहीं है, जोड़ दो सीरीज में. ये 10 ओम का ही है, ये भी 10 ओम का है, राइट. तो यहाँ से ये आए किस पे? इस पॉइंट पे जुड़ रहे हैं. तो इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में ये तीनों देख लो इसी तरह से तो हो गए पैरेलल वाला. पैरेलल वाला हो गया ना, तो देखो 110 110 110 110 110 प्लस 110, ठीक है, कितना आ गया? तीनों 3 10 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना आ गया? लगभग 3.3 है ना. चलिए तो देखो ये 10, इनका 3.3. अब ये सारा कैंसिल आउट होके क्या बचा? यहाँ पे मान लीजिए इसका कैंसिल आउट होके 3.3, राइट. और फिर इसमें क्या है? फिर से सीरीज आ गया, एक सारा का सारा मिलके किस में जुड़े? इस वाले के अंदर. तो यहाँ पे आ गया 5. तो बेटा ये देखो 5 प्लस 5 10 10 और 3.3 13.3 और 5 18.3, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया इसका, आर इक्विवेलेंट, ठीक है. इतने हार्ड नहीं आते, जनरली सिखा रहा हूँ, ठीक है. ये इजी इजी आ जाते हैं जो आपके आसपास दिए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? देखो बहुत इजी है, तो आपको सामने दिख ही गया होगा. चलो आप खुद करके देखिए इसको, ठीक है, खुद करके देखिएगा, हो जाएगा आपसे. देखो यहाँ से गया करंट, इधर भी डिवाइड है, इधर भी डिवाइड है, इधर भी डिवाइड है, तीन तरफ डिवाइड हो गया. इसका मतलब ये तीनों पैरेलल में हो गए. लेकिन इसको वाला करंट यहाँ से जो जा रहा है वो यहाँ से इस रजिस्टर में से भी जाएगा सीरीज में. दोनों को जोड़ा 10 ओम, ये है 5 ओम, ये है 5 ओम, 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तीनों पैरेलल में ना, जोड़ दो कितना आ गया? 1 प्लस 2 प्लस 2, 5/10 कितना आ गया? 2. आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ओम, ठीक है, इसका 2 ओम आ गया. इस तरह से फाइंड करने हैं आपको, ठीक है. तो बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सच एज टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड अप ऑफ एन अलॉय रेदर देन ए प्योर मेटल? तो बेटा इसके लिए मैंने आंसर लिख ही दिया था. हमेशा जो प्योर मेटल होता है ना बेटा, जैसे मान लीजिए आयरन है, ठीक है, इसकी जो रेजिस्टिविटी होगी, कहने का मतलब इसकी जो हीट प्रोड्यूसिंग की जो एबिलिटी है, ठीक है, जितना ज़्यादा करंट रोकेगी वो हमेशा अलॉय की इससे ग्रेटर होती है. प्योर आयरन कितनी नहीं होगी जितनी कि अगर इसका मैं कोई अलॉय बनाता हूँ, आयरन से लेके कोई भी अलॉय बनाता हूँ, तो उस अलॉय की हमेशा रेजिस्टिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है. और आपको पता है इतनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी है उतनी ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है. नेचर है ना उसका, एलिमेंट का, वो जैसे टंगस्टन है, बल्ब्स के अंदर यूज़ करते हैं. क्यों करते हैं? ग्लो भी करता है, ठीक है, और नाइक्रोम्स वगैरह वो हीटर्स में यूज़ करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट है. तो ये देखिए, ये रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है. अब है ना, आपको एक छोटी सी है ना चीज़ बताने वाला हूँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. देखिए बेटा, ये सर्किट बनाया मैंने छोटा सा, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है. ये मैंने 2 ओम का रजिस्टर लगाया है, ये मैंने 4 ओम का रजिस्टर लगाया है. ध्यान दीजिएगा, एक छोटा एक बड़ा है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है दोनों के दोनों, जैसे मान लो कॉपर की वायर है, कुछ भी है, इन दोनों में से कौन सा रजिस्टर, ठीक है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, कैसे बताओगे? सिंपल एप्लीकेशन वाली चीज़ें बता रहा हूँ बेटा, कि आपके जो फॉर्मूलाज मैंने आपको सिखाए हैं ना इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे P इज इक्वल टू V इंटू I, मैंने आपको बताया था P इज इक्वल टू VI, मैंने उसको बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट समझाया था. वैसे बेटा हर चीज़ के ना एप्लीकेशन, हर फॉर्मूला की उसको आपको आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप ऐसी थ्योरेटिकल अगर क्वेश्चन भी आए तो आप उसको कर सको. इन दोनों में से कौन सा रजिस्टर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा? फर्स्ट नंबर
आर वन या आर टू, बताइए कैसे बताओगे? तो बेटा इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा पता है? देखिए इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, आपका फॉर्मूला होता है हीट इज इक्वल टू होता है, अब ये दोनों चीज़ें किस में कनेक्टेड है आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ दोनों में कॉमन हो सकती है। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं करंट I लिखता हूँ तो यहाँ पे I1 है और यहाँ पे I2 है, मुझे ना I1 की वैल्यू गिवन है ना मुझे I2 की वैल्यू गिवन है और ना ही मुझे V गिवन है कि मैं इन दोनों को फाइंड कर सकूँ, राइट? V की वैल्यू गिवन होती तो मैं फाइंड कर लेता, ठीक है, लेकिन नहीं गिवन है, उसने सीधा पूछ लिया कि दोनों में से कौन सा रजिस्टर में ज़्यादा करंट फ्लो होगा, ठीक है, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, राइट? तो मुझे नहीं पता कि आई इसमें ज़्यादा होगा इसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, वो आपको पता ही कि आई वैसे तो डेफिनेटली इसी में ज़्यादा होगा, ठीक है, और आई इसमें ज़्यादा है तो हीट भी, ठीक है। अब देखिए पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल में एक चीज़ कॉमन है क्या, दैट इज़ वी, आपको पता है दोनों का वी सेम रहेगा, राइट? और मैं हीट का जो फॉर्मूला होता है हीट इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर इंटू टी, यही होता है आर टी, ठीक है। तो इन दोनों में से इसी रेस्पेक्ट से मैं इसका आंसर निकाल सकता हूँ, देखिए कैसे, कि वी स्क्वेयर कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है, और R, अब देखिए सपोज़ V की वैल्यू कुछ भी हो 10 भी हो तो, लेकिन अगर मैंने R छोटी वैल्यू से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो वैल्यू ज़्यादा आएगी कि कम आएगी, सोच के देखिए। तो बेटा जितना रजिस्टर, अब रजिस्टर मतलब पहले नंबर वाले रजिस्टर में कितना है 2 ओम, तो हीट कितनी प्रोड्यूस करेगा ये, वी स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इंटू टी, यही होगा। दूसरे वाला वी स्क्वायर अपॉन में 4t, राइट? तो ये तो चार गुना, मतलब चार सॉरी फोर टाइम्स हो गया है, मल्टीप्लाई इसको डिवाइड करेंगे तो ये इसको 1/4 हो गया, इस v इस वैल्यू का 1/4 हो गया, ये इस वैल्यू का 1/2 हुआ, राइट? तो हीट किस में ज़्यादा आई, इसी में ज़्यादा आई। तो कहने का मतलब कौन सा प्रोड्यूस करेगा, अपना जो छोटा रजिस्टर है वो प्रोड्यूस करेगा, राइट? तो पैरेलल के केस में तो आप वी के रिस्पेक्ट में सीधा आंसर निकाल सकते हो, देख के वी कॉमन करो, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करो, जो आर छोटा होगा वो क्या होगा, ज़्यादा वैल्यू पुट करेगा एच, आपको पता है जितना आर छोटा उतना एच ज़्यादा, ये तो हो ही गया ना, आप यहाँ इस फॉर्मूले से अप्लाई करके देखो, जितना आर छोटा उतना एच ज़्यादा, या दूसरे से अप्लाई करके देख लो, दूसरा भी आप यहाँ कर सकते हो कंसेप्ट, देखिए आप यहाँ से देखिए ये क्या है, पैरेलल है, वी दोनों के लिए सेम है, वी दोनों के लिए सेम है, ठीक है, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, है ना, इसका क्या है V, इसका जो R है वो है कम, इसका मतलब इसका करंट क्या है ज़्यादा, तो पहले वाले रजिस्टर के लिए करंट ज़्यादा और दूसरे के लिए कम, कम इसका मतलब इसमें करंट कम है, इसमें करंट ज़्यादा है, करंट ज़्यादा मतलब H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H, राइट? ये भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, ठीक है। देखिए अब R भी इसका, I भी इसका ज़्यादा और R इसका कम, तो वो थोड़ा सा ये वाला अपने ना लगा नहीं सकते, सोच के देखो कि R है, जैसे मान लीजिए ये 4 है, ये वाला थोड़ा सा एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि आपको यही लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अपने को नहीं पता कि I कितना है, ठीक है, I कितनी वैल्यू है। अब जैसे मान लीजिए I, अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 भी आ जाती है, यहाँ पे 2 आ जाती है और यहाँ पे 1 आ जाती है, तो आप इसको क्या इंटू कर रहे हो, 4 को 1 × 4, तो 4 आ गया, और यहाँ पे कितना इंटू कर रहे हो, 2 × 2, तो बात तो वही होगी बेटा 4, इससे अपने निकाल नहीं सकते, ठीक है, इससे अपने किस में निकालेंगे। अब देखो तो पैरेलल के तो आप वो चीज़ हमेशा कॉमन लो जो आपकी पैरेलल में V कॉमन होता है, तो दोनों के लिए V सेम है, इस तो आप सीधा रेजिस्टेंस और H का रिस्पेक्ट से आप आंसर निकाल सकते हो, सोच के देखो कि V सबके लिए सेम है, सेम है तो दोनों के लिए V सेम हो गया, तो R के रिस्पेक्ट में सीधा जितना R कम उतना ही H ज़्यादा, बस सीधा, ठीक है। लेकिन अब ये वाला अपने अप्लाई नहीं कर सकते थे, अब देखो सीरीज के अंदर कैसे कर सकते हैं, ये सीरीज में आपको पता है बेटा आई कॉमन होता है ना, 1, 2, 2 ओम रजिस्टर है, ये 4 ओम रजिस्टर है, राइट? आपको पता है एक आई जो यहां से जाएगा वो इसके लिए भी सेम आई होगा, सेम आई होगा, तो आपको पता है रजिस्टर के रिस्पेक्ट में सीधा आप निकाल के देखो, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी, राइट? आई पता है दोनों के लिए सेम है, अरे जो आई इसमें से जाएगा वो इसमें से जाएगा, आई सेम हो गया तो डायरेक्टली डिपेंड किस पे हो गया, आर पे,
और टाइम तो अपने वैसे ही रिस्पेक्ट में सेम ही लेंगे, अगर 2 मिनट है तो 2 मिनट दोनों के लिए, वो कोई बात नहीं। आई डायरेक्टली डिपेंडेड टू आर, तो जिसका जितना ज़्यादा आर उतना ही क्या हीट भी ज़्यादा। तो आपकी बार कौन सा रजिस्टर यहाँ पे अगर उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, मोर हीट। यहाँ पे अपने वी स्क्वायर बाय आर वाला अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि अपने को नहीं पता वी कितना है, क्योंकि इन दोनों का वी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है अगर इसका वी कम है तो इसका बहुत ज़्यादा है, या इसका बहुत ज़्यादा है तो इसका बहुत कम है, वो डिपेंड करता है। ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे पैरेलल के केस में आप क्या करेंगे, एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर ले लेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका वी अलग सेम रहता है, तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस के बेसिस पे। सीरीज़ के अंदर आप क्या करेंगे, आई स्क्वायर आर टी वाला लेंगे, क्यों? क्योंकि आई सेम रहता है, तो आर की रिस्पेक्ट देख के सीधा हीट वाला बता सकते हैं कि कौन सा वाला रजिस्टर ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए ये हो गया बेटा आपके क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी अब आपका जो टेस्ट लेंगे उसमें आपके बाकी क्वेश्चंस कवर कर देंगे। ठीक है, चलिए।